सोचने की काबिलियत को हो चुका है। 40 में कभी किसी की सिफारिश करते हैं जनाब बाइक पकड़िए छुड़वा दो, आज तक तो मुझे किसी ने नहीं कहा। आज मुझे पता लगा है अगर इस पे कंट्रोल नहीं किया गया, रिलीजियस स्कॉलर्स ने नहीं कंट्रोल किया, सिविल सोसाइटी ने नहीं कंट्रोल किया, पीआरआर, एक तो ये हमारी हिंदू मुसलमान की जो एकता है उसको लेके हम हर बार करते हैं, आर्मी का बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्सनट्रेट रहता है कि जो यहाँ पे आज तक जो अमन रहा है वो हिंदू मुसलमान भाईचारे की वजह से रहा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाईचारे की वजह से रहा है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो डिस्कस हो रहा है, जो आने वाले कुछ सालों में हमारे इलाके में देखा जा रहा है कि हमारे इलाके के जो बच्चे और बच्चियाँ हैं वो ड्रग्स में जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इसको लेके जो है वो लगातार डिस्कशन चल रही है। क्योंकि अगर ये चीज़ जो है हमारे इलाके में जो है इसका बढ़ावा होता गया तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो मुल्क के ख़िलाफ़ भी काम कर सकती है, अपने समाज के ख़िलाफ़ काम कर सकती है, अपने घर वालों के लिए भी ख़तरा है और अपने मुल्क के लिए भी ख़तरा है। आज आप जैसे आपको पता है आज 37 RR मेंढर ने इंडियन आर्मी की तरफ से एक जॉइंट मीटिंग थी जिसमें जो शहर बीन थे और पुलिस के आला अधिकारी थे और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से ऑफिसर्स इन्होंने एक बुलाए हुए थे, तो उसमें ये सब चर्चा हुई है जो आज की जो कंडीशंस हैं, आज की जो परिस्थितियां हैं उसके तहत, जैसे कि ड्रग्स का, जैसे कि मेंढर में काफ़ी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम बढ़ रही है दिन ब दिन, तो उसको लेके एक बड़ी सीरियस डिस्कशन हुई है सिविल सोसाइटी के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी की जॉइंट, और कम्युनल हारमोनी को लेके, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा साथ वाला मुल्क है वो कोई ना कोई यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो उसके तहत इसको बड़ा एक डीप एक डिस्कशनें हुई हैं, और इसका जो भी है अगले आने वाले दिनों में हम कैसे इकट्ठे इस चीज़ का सामना कर सकते हैं पीस और हारमोनी मेंटेन करने के लिए मेंढर में, तो उसी के बारे में ये आज ये एक जॉइंट मीटिंग रखी थी।